जासूसी उपन्यास मौत का खेल भाग सात खून के धब्बे। कार के चले जाने के बाद राजेश शरबतिया ने नाइट गाउन उतार दिया और ओवरकोट पहन लिया। उसकी पत्नी बेड पर बेखबर सो रही थी। वो चुपचाप बेडरूम से बाहर निकल आया। उसने बहुत आहिस्ता से कोठी का दरवाजा खोला। दरअसल जब कुछ राज रखना होता है तो आपका पूरा व्यवहार ही बदल जाता है। ऐसा ही शरबतिया के साथ हुआ था। उसने इस आहिस्ता से कोठी का दरवाजा खोला था, मानो आवाज होते ही सबको डॉक्टर वीरानी मौत के बारे में पता चल जाने वाला था। उसने दरवाजे को बहुत आहिस्ता से भेड़ भी दिया था। बाहर कोहरे का नामो निशान भी नहीं था। तेज हवाओं ने कोहरे को निगल लिया था। शरबतिया ने बाहर निकलकर चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कहीं कोई नहीं था। यहाँ से फार्म हाउस का मेन गेट तकरीबन 3 किलोमीटर दूर था, इसलिए गार्ड भी नजर नहीं आ रहे थे। सभी नौकर अपने अपने क्वार्टर में गहरी नींद में सो रहे थे। शरबतिया हाउस में हर पार्टी के बाद नौकरों की दिन भर की छुट्टी हो जाती थी। आज भी वो शाम तक की छुट्टी पर थे। राजेश शरबतिया दबे कदमों से जंगल की तरफ बढ़ गया। उसका रुख डॉक्टर वीरानी की कब्र की तरफ था। वह तस्दीक कर लेना चाहता था कि दिन में वह हिस्सा कैसा नजर आता है। किसी तरह का कोई निशान तो बाहर से नजर नहीं आ रहा है। इस इलाके में अक्सर माली जाता रहता था। यही वजह थी कि शरबतिया सब कुछ दुरुस्त कर लेना चाहता था। कुछ दूर पैदल चलने के बाद वह कब्र तक पहुंच गया। यहाँ सब कुछ सामान्य था, सिवाय इस बात के कि जमीन के अंदर की मिट्टी बाहर आ गई थी, इसलिए काली जमीन पर वह पीली पीली सी अलग से नजर आ रही थी। वैसे भी यह कोई खास बात नहीं थी। जंगल में अक्सर नए पेड़ लगाए जाते थे या मिट्टी के लिए गड्ढे खोदे और बंद किए जाते थे। बस कब्र से कफन जैसी चीज नजर नहीं आनी चाहिए। शरबतिया को यही फिक्र थी। कब्र देखने के बाद आसपास का जायजा लेने के लिए वह टहलते हुए कुछ दूर निकल गया। एक जगह पर उसकी निगाह टिक गई। वह उसी जगह पर नजरें गड़ाए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह करीब पहुंच रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह जमीन पर बैठ गया और एक जगह पर नजरें टिका दी। जमीन पर काफी सारा खून पड़ा हुआ था। खून ताजा लग रहा था। उसकी चमक अभी तक बरकरार थी। शरबतिया बहुत ध्यान से उन धब्बों को देखने लगा। खून के धब्बे, वह बड़बड़ाया। उसने नजर उठाकर देखा तो जमीन पर खून की बूंदें काफी दूर तक चली गई थीं। वह उठ गया और उन बूंदों का पीछा करने लगा। ये बूंदें चहारदीवारी तक गई थीं। चहारदीवारी काफी ऊंची थी। वह चहारदीवारी के नजदीक रुककर कुछ सोचने लगा। उसके बाद एक बार फिर वह खून की बूंदों का पीछा करते हुए उस जगह पर लौट आया जहां ढेर सारा खून पड़ा हुआ था। शरबतिया कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। ऐसे खून के धब्बे फार्म हाउस पर पहली बार नजर आए थे। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह एक बार फिर से डॉक्टर वरुण वीरानी की कब्र की तरफ आ गया। उसने बहुत ध्यान से कब्र को देखा। कब्र में दफनाए जाने के बाद से अब तक कोई तब्दीली नहीं आई थी। फिर खून, ये सवाल उसके जहन में अटक कर रह गया था। शरबतिया चिंतामग्न हालत में धीमे कदमों से चलते हुए कोठी की तरफ चल पड़ा। एक रात में कितना कुछ बदल गया था। नए साल की पार्टी उसके लिए वबाले जान बन गई थी। इससे पहले उसने जाने कितनी पार्टियां की थीं। इस पार्टी ने उसे बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। इस बात का राजेश शरबतिया को बहुत गहराई से एहसास था। वैसे भी वह बिजनेसमैन था। उसका ऐसी बातों से कभी वास्ता ही नहीं पड़ा था। लाश और कब्र। जब राजेश शरबतिया कोठी में पहुंचा तो ड्राइंग रूम में उसने रायना को बैठे हुए पाया। रायना सुबह सुबह शरबतिया हाउस पहुंच गई थी। वो अपने साथ फूलों का एक गुलदस्ता लाई थी। जिस तरह से डॉक्टर वीरानी का अंतिम संस्कार किया गया था, उससे वह काफी विचलित थी। यही वजह थी कि वह सुबह सुबह ही एक गुलदस्ते के साथ शरबतिया हाउस आ गई थी। वो उस गुलदस्ते को कब्र पर चढ़ाने के लिए लाई थी। शरबतिया और रायना ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। दोनों ही खामोश थे, जैसे उनके पास कहने को ज्यादा कुछ न हो। वैसे भी जिन हालातों में डॉक्टर वरुण वीरानी की मौत हुई थी, इससे राजेश शरबतिया भी परेशान था। दोनों ने साथ चाय पी और फिर कोठी से बाहर आ गए। सुबह के 8 बजे थे और हल्की हल्की धूप फैली हुई थी। आज कोहरा तो नहीं था, लेकिन सर्दी काफी ज्यादा थी। रायना और शरबतिया डॉक्टर वीरानी की कब्र की तरफ जा रहे थे। दोनों की चाल काफी धीमी थी। रायना ने अपने हाथों में गुलदस्ता संभाल रखा था। कुछ देर बाद दोनों कब्र के करीब पहुंच गए। कब्र की तरफ नजर उठते ही रायना के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वह भागकर कब्र तक पहुंची। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने पलटकर शरबतिया की तरफ देखा। वह भी तेज कदमों से कब्र की तरफ भागा आ रहा था। कब्र की हालत देखकर उसके भी होश उड़ गए। कब्र खुदी पड़ी थी और लाश गायब थी। शरबतिया इतनी सर्दी में भी पसीने से तर हो गया।
रायना धप से जमीन पर बैठ गई। वह दोनों हाथों से मुंह छिपाकर सिसकी ले लेकर रोने लगी। शरबतिया हवनकों की तरह चारों तरफ देख रहा था। अचानक वो दौड़ते हुए चहार दीवारी तक गया और लौट आया। वो इसी तरह से चारों दिशाओं में भागता फिर रहा था। वो दूर दूर तक देख आया, उसे कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। शरबतिया रायना के पास आकर खड़ा हो गया। भागने से उसकी सांस फूल रही थी, वह पसीने से पूरी तरह से तर हो रहा था। उसे चक्कर आने लगे और वह भी कब्र के पास जमीन पर बैठ गया। दोनों काफी देर तक ऐसे ही बैठे रहे। कुछ देर बाद जब दोनों के होश बहाल हुए तो वह उठकर खड़े हो गए। दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि कब से लाश कहां गायब हो गई है। शरबतिया और रायना ने एक बार फिर जंगल को दूर दूर तक छान मारा, लेकिन उन्हें लाश कहीं नहीं मिली। लाश कौन कहे, किसी तरह का कोई सुराग भी हाथ नहीं लगा। अलबत्ता राजेश शरबतिया रायना को उस जगह से दूर रखने में कामयाब रहा था जहां खून के धब्बे पड़े हुए थे। उसे मालूम था कि अगर रायना ने खून के धब्बे देख लिए तो उसे समझा पाना मुश्किल होगा। वह इन धब्बों को डॉक्टर वीरानी की मौत से जोड़कर देखेगी और उसे संतुष्ट कर पाना फिलहाल राजेश शरबतिया के बूते की बात नहीं थी। हर तरफ से निराश होकर दोनों कोठी में लौट आए। रायना फूलों का गुलदस्ता वहीं छोड़ आई थी। दोनों आकर सोफे में धंस गए। दोनों देर तक शांत बैठे रहे। शरबतिया के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। रायना भी काफी परेशान नजर आ रही थी। कुछ देर बाद उसने राजेश शरबतिया से पूछा, आपके फार्म हाउस से लाश भला कैसे गायब हो सकती है? यही मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। राजेश शरबतिया के लहजे से परेशानी साफ झलक रही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 24 घंटे में आपके फार्म हाउस से एक लाश गायब हो जाए, रायना ने चुभते हुए लहजे में कहा। ये चुभन राजेश शरबतिया ने भी साफ महसूस कर ली थी। उसने जरा तेज आवाज में कहा, तो तुम मुझे इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही हो? ये फार्म हाउस आपका है मिस्टर शरबतिया, और मेरे पति की लाश यहाँ से गायब हुई है, इसकी जिम्मेदारी आपकी ही बनती है। रायना का लहजा भी तेज हो गया था। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं बैठकर तुम्हारे पति की लाश रखाता रहता? राजेश शरबतिया की आवाज अब भी तेज थी। यह मत भूलो मिस्टर शरबतिया कि मेरे पति का कत्ल तुम्हारे फार्म हाउस में हुआ है। यह मेरी शराफत थी कि मैंने आपकी बात मान ली और पुलिस में शिकायत नहीं की, वरना, रायना ने बात अधूरी छोड़ दी। उसकी इस बात पर राजेश शरबतिया ढीला पड़ गया। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने रायना को समझाते हुए कहा, देखो रायना, ये सच है कि लाश कब्र से गायब है और यह फार्म हाउस भी मेरा ही है, लेकिन इसके लिए मैं किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हूँ। यकीन मानो, मैं सुबह ही कब्र पर गया था, उस वक्त वहाँ सब कुछ सामान्य था। उसकी इस बात पर रायना कुछ नहीं बोली। ड्राइंग रूम में खामोशी छाई हुई थी। घड़ी की सुई की आवाज घंटे की आवाज जैसी गूंज रही थी। कुछ देर बाद शरबतिया ने कहा, मुझे लगता है कि मौजूदा हालात से हमें बाकी दोस्तों को भी अवगत करा देना चाहिए, जैसा आप बेहतर समझें, रायना ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। मैं बाकी दोस्तों को भी यहीं बुलाए लेता हूँ, शरबतिया ने कहा और उठकर लैंडलाइन से तमाम दोस्तों को फोन मिलाने लगा। जाने क्यों उसने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया था। राजेश शरबतिया एक ऊंची कुर्सी पर बैठा डायरी से नंबर निकाल निकाल कर सभी दोस्तों को फोन मिला रहा था। शरबतिया की पीठ रायना की तरफ थी। अचानक ही रायना बड़ी खामोशी से उठ खड़ी हुई। वह दबे पांव कोठी के अंदरूनी हिस्से की तरफ चली गई। डॉक्टर वरुण वीरानी की लाश गायब होने का राज क्या था? रायना इस तरह से खामोशी से कोठी में क्या करने गई थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग।